हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ ये एयर इंडिया की तरफ से निकल के आई है। बड़ी वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी रेंज भी है। मैं सारे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। देखिए क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग टाइप कीजिए एयर इंडिया आप लोग टाइप कीजिए EYER INDIA। इसके बाद गूगल पे सर्च कर दीजिए। गूगल पे सर्च करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाइएगा, उसका लिंक आप लोगों को मिलेगा। देखिए क्या दिया रहेगा, www.airindia.in वेलकम टू एयर इंडिया रहेगा और उसका लिंक है airindia.in। इस पर क्लिक करना है या तो फिर आप लोग इसका नीचे में जस्ट देखें करियर्स बोल के दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके सीधे करियर्स में जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो सीधे उसका होम पेज पे चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग करियर्स में जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं होम पेज पे चला जाता हूँ। होम पेज पे आने के बाद मैं उसका करियर्स में जाता हूँ। करियर्स का ऑप्शन मेरे को कहाँ से मिलेगा, नीचे आ जाएंगे। नीचे में देखिए यहाँ पे दिया गया है करियर्स, उसका ऑप्शन मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन होके आ गया सामने में, जहाँ पे दिया गया है देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे निकल के आई है इसका वैकेंसी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक PDF सामने में डाउनलोड होके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से डिटेल है इसका, एयर इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे दो पोस्ट दिया गया है, ट्रेनिंग के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया गया है। इसमें जो पोस्ट यहाँ भी दिया गया है दोनों का, और इसमें क्या दिया गया है देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, वैकेंसी कितना है और यहाँ पे उसकी एज लिमिट दी गई है मैक्सिमम वाली और क्वालिफिकेशन। तो पहला वाला जो जैसे बताया आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए दिया गया है 25 पोस्ट यहाँ पे है, जिसमें से जनरल के लिए 10 दिया गया है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 4 है और OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 2 दिया गया है। और एज लिमिट जो दी गई है दोनों पोस्ट के लिए सेम ही है, जनरल के लिए 42 मैक्सिमम है, ST SC के लिए 47 और 45 दिया गया OBC के लिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दी गई है सबका अलग अलग है, जैसे पहला वाला ट्रेनिंग वाले के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTEC और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, पायलट कैबिन होना चाहिए, और दिया गया है या तो, और मतलब या तो 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए और ग्रेजुएट होनी चाहिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। अगर BE BTEC हैं तो 1 ईयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह दूसरा पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया गया है, इसमें से 54 पोस्ट टोटल है, जिसमें 24 जनरल के लिए 8 दिया गया है, SC के लिए 3 दिया गया है, ST के लिए OBC के लिए 14 दिया गया है और EWS के लिए 5 दिया गया है। एज लिमिट जैसे मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही दिया गया है दोनों पोस्ट के लिए। तो इसका क्वालिफिकेशन जो हो जाएगी, ग्रेजुएशन मांगा गया है 6 मंथ एक्सपीरियंस के साथ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो फिर 12 पास होनी चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है और आप लोगों की क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आप लोगों की 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों के 6 मंथ एक्सपीरियंस के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके नीचे और एक टेबल बन के आई है, जिसमें से पोस्ट दिया गया है और उसकी सैलरी रेंज दी गई है। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की रहेगी, आप लोगों की ट्रेनिंग वाला जो पोस्ट है उसके लिए सैलरी रेंज 25,000 पर मंथ मेंशन है। उसके बाद अप्रोक्स आप लोगों का कितना जाएगा, क्या सैलरी है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। देखिए 45,000 तक दिया गया है पर मंथ CTC। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो दिया गया है ड्यूरिंग द आप लोगों का यहाँ पे 21,000 CTC इसका सैलरी रेंज डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मेंशन किया गया है। अदर बेनिफिट वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। पोस्टिंग आप लोगों का जो दिया गया है यहाँ पे कहाँ का है, देखिए पोस्टेड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, ये सब उसका पोस्टिंग दिया गया है। ट्रेनिंग आप लोगों का किस तरह से होगा, ड्यूरेशन वगैरह दिया गया है, बैंक चार्ज आप लोगों का क्या रहेगा, सॉरी बैंक गारंटी वगैरह भी जो दिया गया है ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रोसेस आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को आप लोग अगर क्रैक कर लिए तो आप लोग इसको जॉब हासिल कर सकते हैं। जिसमें से यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, प्लॉइंग मेनू आप लोगों को कब जाना पड़ेगा, ये चीज़
डेट यहाँ पे दिया गया है 1/4/2019 को, और डेटेड बिटवीन आप लोगों का 10:30 बजे से लेके दिया गया है 12:30 बजे तक इसका दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट डेट डेट मेंशन किया गया है। पहला दिया गया ट्रनी के लिए, ट्रनी के लिए जो 30 अप्रैल 2019 को दिया गया है, थर्सडे का दिन रहेगा ये उसका। लोकेशन दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, कहाँ पे इंटरव्यू होगा ये न्यू दिल्ली का दिया गया है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो दिया गया है 2 मई को दिया गया है, 2 मई और 30 अप्रैल अलग अलग डेट को दोनों का अलग अलग इंटरव्यू होगा बोल के दिया गया है। लोकेशन और एड्रेस जो है वो सेम ही दिया गया है। इसमें ऐसे आप लोगों का एप्लीकेशन फी जो रहेगा ये आप लोगों का 1000 रुपीज़ रहेगा। इसको आप लोगों को DD बनाना पड़ेगा इसका, और इन केस डॉट और सॉरी यहाँ पे जैसे दिया गया है क्या क्या चीज़ दिया गया है, DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अमाउंट 1000 रुपीज़ जो दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी के लिए, और 500 रुपया जो दिया गया है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया गया है। तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। एप्लीकेबल फिल नॉट ये एप्लीकेशन फिल नॉट एप्लीकेबल इन कास्ट SC ST कैंडिडेट के लिए, ST SC के लिए इसमें फ्री है, कोई इसमें फी नहीं है दिया गया है। नॉट एप्लीकेबल इन केस ST SC कैंडिडेट, एप्लीकेशन फी फ्री जैसे मेंशन किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी मेंशन है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो इसमें से जितने इम्पोर्टेंट थे, मेन इम्पोर्टेंट इसमें हम लोगों को क्या क्या है, डेट और कहाँ पे ये इसका इंटरव्यू होगा, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके इसको डिटेल में देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।